मैं आप लोगों के सामने बहुत क्विक एक रेमेडी लेके आई हूँ। आप अगर अपने फेस के लिए अपने लिए 5 मिनट भी टाइम दे देंगे तो आपका फेस में जितना प्रॉब्लम है, आपका स्किन का जितना प्रॉब्लम है, वो पिंपल्स हो, एक्ने हो, डार्क सर्कल हो, डार्क स्पॉट हो, झुर्रियाँ हो, रिंकल हो, एजिंग हो, सब प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा आपको। तो चलिए देख लेते हैं आज मैं क्या रेमेडी लेके आई हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जो लोग मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मैं आपके लिए 2 मिनट का रेमेडी लेके आई हूँ, जिसके पास एकदम टाइम नहीं है वो लोग भी इसे डेली यूज़ कर सकते हैं। मैं आप लोगों को आइस क्यूब मसाज के बारे में बताने वाली हूँ। आइस क्यूब मसाज करने से आप लोग का क्या क्या बेनिफिट्स है, इसे आप कैसे लगाएंगे, आप अपने फेस में कैसे मसाज करेंगे और मसाज करने के बाद आपको क्या करना है, सब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। स्किप ना करते हुए पूरे वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए। आइस के सबसे अच्छे गुणों में से एक एंटी इंफ्लेमेटरी है, जो पिंपल्स को कम करते हैं और एक्ने को भी ठीक करते हैं। हमारे चेहरे में आइस क्यूब मसाज करने से हमारे चेहरे के ब्लड सर्कुलेशन बढ़ते हैं। अगर आपके चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो आपके फेस में अलग से चमक आ जाएगी। स्क्यू सूजन को भी कम करते हैं। देखिएगा, कभी आप लोगों को कहीं पे चोट लगा है उस जगह में सूजन आ जाती है, उस पर अगर आप साथे साथ बर्फ लगाते हैं तो वो 5 मिनट में वो पूरा ठीक हो जाती है। तो आपके फेस में कहीं पे भी अगर कोई भी सूजन हो, आप अगर आइस क्यूब रब करते हैं तो आपके फेस के सूजन को भी ये कम करता है। ये आंखों के चारों ओर जो डार्क सर्कल होते हैं इसको भी कम करने में हेल्प करते हैं। अगर आप डेली आइस क्यूब मसाज करते हैं तो आपके रिंकल्स, फाइन लाइंस, एजिंग सिम्टम भी कम हो जाते हैं। आप अगर आइस मसाज करके उसके ऊपर मेकअप करते हैं तो मेकअप का ग्लो भी पूरा अलग आता है। देखिएगा, हम लोग के टीवी स्टार लोग भी बहुत हैं जो लोग मेकअप के पहले आइस क्यूब मसाज करते हैं। वो लोग अपने यूट्यूब चैनल में भी दिखाते हैं, जो अपने फेस को ठीक रखने के लिए, सूजन अगर हो जाती है मुंह में तो सूजन को कमती करने के लिए वो लोग आइस क्यूब का हेल्प लेते हैं। ये तो हो गया आइस क्यूब मसाज करने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। अभी चलते हैं, देख लेते हैं आइस क्यूब। आप लोग प्लेन पानी का आइस बना कर भी मसाज कर सकते हैं, नहीं तो मैं जैसे बनाई हूँ आइस क्यूब उसी तरह आप आइस क्यूब बना कर भी मसाज कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं मैं कैसे बनाई हूँ। मैं 2 टाइप आइस क्यूब बनाऊँगी, एक है क्यूकम्बर आइस क्यूब और एक है टमाटर का आइस क्यूब। क्यूकम्बर आइस क्यूब बनाने के लिए मैं आधा से भी कमती क्यूकम्बर लूँगी। ये आइस क्यूब बना के आप ज़्यादा देर मत रखिएगा, 7 दिन 8 दिन के लिए बना लीजिए। 2 टाइप 3 टाइप आपको जैसा मन हो आप बना सकते हैं। पहले मैं क्यूकम्बर को काट लूँगी छोटा छोटा करके, उसके बाद मैं इसको मिक्सी में डाल के पानी दे के अच्छी तरीके से पीस लूँगी। पूरा जैसे क्यूकम्बर का जूस होता है उसी तरह क्यूकम्बर का जूस निकाल लूँगी। इसी तरह मैं टमाटर का भी काट के टमाटर का जूस निकाल लूँगी। टमाटर का जूस को आप पानी देके बनाइएगा, ये गाढ़ा नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा पतला रहना चाहिए तो आपका आइस क्यूब अच्छा बनेगा। इसके बाद आप आइस ट्रे में इसको डाल दीजिए। आप क्यूकम्बर का साथ मिंट का पत्ता भी दे सकते हैं, लेमन जूस भी दे सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर है, आपके स्किन के लिए जो अच्छा है आप उसी का रस बनाकर आइस क्यूब बना सकते हैं। मैं 2 टाइप का बनाई हूँ, क्यूकम्बर आइस क्यूब और टमाटर का आइस क्यूब, जो मेरे स्किन में बहुत अच्छी तरीके से सूट करता है। टमाटर का जूस और क्यूकम्बर का जूस को आइस ट्रे में डालकर आप 6 से 7 घंटा डीप फ्रिज में रख दीजिए, आपका आइस क्यूब तैयार हो जाएगा। इसके बाद आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। इसको आप दिन में
दो बार इस्तेमाल कीजिए। ज़्यादा आइस मसाज नहीं कीजिएगा, ज़्यादा आइस मसाज करने से आपके स्किन के ऊपर इफ़ेक्ट आएगा। आप गर्मी का सीज़न है, आप दिन में दो बार इस्तेमाल कर सकते हैं, एक सुबह मॉर्निंग में कीजिए और एक बार नाइट में कीजिए। अभी मैं दिखाती हूँ आपको आइस क्यूब मसाज करना कैसे है। ये देखिए, ये क्यूकम्बर आइस है, ये टमाटो आइस क्यूब है। मैं क्यूकम्बर आइस क्यूब को ले रही हूँ। ये देखिए, मैं आइस क्यूब मसाज करती हूँ इसलिए मैं इस आइस क्यूब से डायरेक्ट मसाज कर सकती हूँ, लेकिन जो लोग आइस क्यूब मसाज नहीं करते हैं, पहली बार आइस क्यूब मसाज कर रहे हैं, उन लोग डायरेक्ट नहीं कीजिएगा। ऐसे एक देखिए, ऐसे कॉटन का हैंडकरचीफ ले लीजिएगा, उसमें ऐसे आइस क्यूब रखिएगा, ऐसे पकड़िएगा, धीरे धीरे ऐसे करके मसाज कीजिएगा, पूरा ऐसे करके कीजिएगा, अपवर्ड्स डायरेक्शन में आप मसाज कीजिएगा। ऐसे इस जगह में हम लोग को ज़्यादा रिंकल्स होते हैं, ऐसे कीजिएगा, ऐसे करके कीजिएगा, यहाँ पे होते हैं आप ऐसे ऐसे करके कीजिएगा, इस तरह आप मसाज कीजिएगा। एकदम ज़्यादा इसको रब नहीं कीजिएगा, धीरे हाथ में ऐसे करके मसाज कीजिएगा, देखिएगा आपको कितना रिलैक्स फील होता है। ये अगर आप पूरे साल करते हैं, आपको और कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये एक चीज से आपका पूरे मुंह का स्किन केयर हो जाएगा। उसके बाद आंखों में आप ऐसे कीजिएगा, ऐसे ऐसे करके पूरा हल्का हाथों में कीजिएगा, एकदम रब नहीं कीजिएगा, ऐसे करके कीजिएगा, धीरे से कीजिएगा। अगर ऐसा ऐसा रब नहीं कीजिएगा, ऐसे करके रब नहीं कीजिएगा, पूरा अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे करके रब कीजिएगा। इसको आप जब तक बर्फ ख़त्म ना हो जाए तब तक रब कीजिए, धीरे धीरे से मसाज कर लीजिए। इसके बाद आप ऐसे 20 मिनट छोड़ दीजिए, 20 मिनट के बाद आप फ्रेश वाटर से मुंह धो लीजिए। अगर आप इसे रोज़ाना दो बार इस्तेमाल करते हैं तो ये एक बेहतरीन क्लींजर और टोनर के रूप में भी काम करता है। ये स्किन को टाइट करता है, स्किन में ग्लो लाते हैं और स्किन के जितने प्रॉब्लम हैं सबको दूर भगाते हैं। ये आप ज़रूर कीजिए। आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।